नमस्कार। 21 दिसंबर की खबरें देखिए, खबर एसएस के साथ। सरकारी बैंकों में 41,000 करोड़ रुपए डालेगी मोदी सरकार। आने वाले वित्तीय वर्ष 2019 के लिए बैंकों ने 85,948 करोड़ की मांग रखी गई थी। इस राशि से राज्यों की सब्सिडी के लिए होगा 5,500 करोड़ रुपए का भुगतान। अगली खबर है, अब होगा ड्राइविंग लाइसेंस रद्द। गलत साइड पर चलने पर गुजरात सरकार ने नियम लागू किया कि अगर कोई भी ड्राइवर दो बार से ज़्यादा गलत साइड पर चलता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हो जाएगा। अगली खबर, ग्राहकों को नहीं दे पाएगी कोई भी कंपनी धोखा। झूठा और भ्रामक प्रचार करने वाली कोई भी कंपनी अगर जो ग्राहक को गलत प्रचार और प्रसार करती है तो उसके ऊपर 10 लाख का जुर्माना और 2 साल की कैद हो सकती है। उपभोक्ता संरक्षण लोकसभा में ये विधेयक नियम पास हो गया है। अगली खबर आ रही है, पेटीएम से बुकिंग पर अब कोई भी ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं लगेगा। अब रेलवे का टिकट पेटीएम से बुक करने पर कोई भी ट्रांजेक्शन चार्ज यात्री से नहीं लिया जाएगा। वैष्णो देवी यात्रा मात्र 2490 रुपये में हुई। IRCTC ने निकाली नई स्कीम, इसमें धर्म प्रेमी बंधुओं को ये खुशखबरी है कि धार्मिक स्थानों पर वैष्णो देवी तक की यात्रा वो 2490 रुपये में के पैकेज में अब यात्री कर सकते हैं। अभी देखिए आपने खबर एसएस की एक रिपोर्ट।